that India is the third most powerful country in the world after United States and China. ऑस्ट्रेलिया की जो मशहूर थिंक टैंक लोवी इंस्टीट्यूट है, उसकी एक नई रिपोर्ट आई है 2024 की. उसका सबसे बड़ा फाइंडिंग ये है कि इंडिया हैज मूव्ड फ्रॉम नंबर 4 से नंबर 3 पर, जो थर्ड मोस्ट पावरफुल कंट्री. ठीक है, उनके पास जितनी भी पावर आ गई वो दूसरे नंबर पे आ गया, तीसरे नंबर पे आ गया, पहले पे भी आ जाए वो फिर भी हमारे ऊपर हमला नहीं कर सकता. क्यों, क्या वजह? नहीं कर सकता, हमसे डरते हैं. हमारे यहाँ दिमाग इस्तेमाल करने का रिवाज ही नहीं है, खोपड़ियाँ खाली हैं. मुसीबत यह है, हम बेहिस किस्म के डंगर लोग हैं, सोचते नहीं. इंडिया को हम 6 महीने में क्रॉस कर सकते हैं, हम मुसलमान हर चीज में कर सकते हैं. अगर हम किस चीज में क्रॉस करेंगे? हम इकोनॉमिक में कर सकते हैं. अच्छा, हम उसको असले में कर सकते अच्छा, हैं, हम लड़ने में कर सकते अच्छा, हैं, चीज में. छह महीने में. आपको याद होगा कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर जब दूसरी बार प्राइम मिनिस्टर बने थे, और उसके बाद जब तीसरी बार प्राइम मिनिस्टर बनने वाले थे, तो उन्होंने बोला था कि मैं तीसरी बार प्राइम मिनिस्टर बना तो इंडिया को दुनिया की तीसरी बड़ी पावर बना दूंगा. और अब खबर आ चुकी है कि इंडिया दुनिया की तीसरी बड़ी पावर बन चुका है. ये मैं नहीं कह रहा, ये ऑस्ट्रेलिया के थिंक टैंक्स ने खबर पब्लिश की है, जिसमें ये बताया जा रहा है कि इंडिया ने रशिया और जापान को पीछे छोड़ के दुनिया की तीसरी बड़ी पावर बन चुका है. आपकी आइंदा नस्लें गिरवी पड़ी है, बिके हुए हैं, रहन पड़े हैं आपके वो बच्चे जो अभी पैदा भी नहीं हुए. जो पैदा हो चुके हैं बदनसीब, उनमें से हर बच्चा जो है वो लाखों का मकरूज है. धमकी लगती है इंडिया के साथ हमारी, जी जंग शुरू हो क्या? इंडिया जी सबसे पहले पानी खोल देगा जी, अभी पानी भी नहीं संभाल सकते हम, तो हम जंग कैसे करेंगे? तो मोदी साहब ने कहा है, तो इस पे भी हम एग्री करते हैं, इंडिया बहुत ज्यादा आगे जाएगा. इंडिया वाले हमारे दुश्मन है जी, क्या दुश्मनी की है उन्होंने? आगे हमारे से रोटी छीन लिया, आगे क्या दुश्मनी की है उन्होंने? कश्मीर नहीं जी, कश्मीर का मसला तो उसका है ना. जब हम जाएं दुकान पे जी, हम सुबह सोए हुए उठे हैं जी, हम राशन लेने के लिए गए, आगे से पता चला जी हमारी पॉकेट से बाहर हो गया, जब हम ले ही नहीं सकते, वो ये मसला वो तो चीज़ नहीं हम ले सकते, यानी वो हमारे दुश्मन है. इंडिया, हमारे सोए हुए चीजें बढ़ा मैं आम पब्लिक से पूछना, हमारा दुश्मन कहाँ से हो गया? इंडिया तो हमारा दुश्मन है. इंडिया बेसिकली टेक्नोलॉजी के हिसाब से बहुत आगे है, ठीक है, और पाकिस्तान के हिसाब को अगर आप देखते हैं तो पाकिस्तान से बहुत पीछे है. ठीक है, टेक्नोलॉजी हम है? आज तक हम अपना सैटेलाइट सिस्टम नहीं बना सके, ठीक है, हम गूगल पे चल रहे हैं. ठीक है, इंडिया अपना सैटेलाइट छोड़ चुका है, इंडिया चांद पे पहुंच चुका है, और इंडिया ने अपने आप को इतना मजबूत कर दिया है कि अगर अब हम पाकिस्तान सामने खड़ा होकर मुकाबला करें तो देखें, इंडिया एक कर्ज नहीं लेता, हम कर्ज साल मुल्क है. हमारी आर्मी जाके कर्ज मांग रही है, लेकिन वहाँ की जमहूरी हुकूमत अमेरिका को आके बोल लीजिए हमसे कारोबार करो, हमारे साथ बिजनेस करो. आप देखें हमारे साथ कोई बिजनेस करने को तैयार ही नहीं है. इंडिया इटसेल्फ वो कर रहा है, तरक्की कर रहा है. अच्छा, अपने हर लिहाज से उनका एक सिस्टम देख लें कि हर लिहाज से वो कहीं ना कहीं आपको नजर आएगा आगे बढ़ता हुआ. ठीक हो गया सर. तो अब साथ में अब US ने भी देखना है कि वहाँ पे पोटेंशियल क्या है, किस तरह से वो काम कर सकते हैं, क्या उनको बेनिफिट होगा कि नहीं होगा. ठीक है, तो इस बेस के ऊपर उन्होंने उनके साथ ही कॉन्ट्रैक्ट करना है जिनके पास एक सिस्टम है जो काम कर सकते हैं और बेहतर तरीके से कर सकते हैं, फिर पोटेंशियल है, कैपेसिटी है, वो बेहतर कर सकते हैं. अब USA को भी उसका बेनिफिट होगा कहीं ना कहीं. अब उनके पास एक लेबर है, USA के पास इन्वेस्टर्स हैं, टेक्नोलॉजी है US के पास टेक्नोलॉजी है. इंडिया इटसेल्फ अगर देखा जाए तो IT में बाकी चीज़ों के अंदर बहुत ग्रो कर रहा है, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री करके उन्होंने दुनिया को मनवाया कि हमारे पास भी टेक्नोलॉजी है. बिल्कुल बिल्कुल, तो वो इन चीज़ों में वो अपना इन्वेस्ट भी करते हैं, ग्रो भी कर रहे हैं, और टेक्नोलॉजी का बूस्ट भी कर रहे हैं अपने लिहाज से. जो मोदी साहब ने कहा है तो इस पर भी हम एग्री करते हैं, इंडिया बहुत ज़्यादा आगे जाएगा. और पाकिस्तान की बात करें तो वो हमारे वज़ीर आज़म जो हैं जितने भी आए ऑलमोस्ट से वो तकरीबन यही भिखारी कहलाते हैं. इस वजह से हमारी बाहर के ममालिक में रिपोटेशन भी नहीं है, रिस्पेक्ट भी नहीं है, और उसके अलावा हमारी इकॉनमी भी ठीक नहीं है. इंडिया इकॉनमी के हिसाब से बहुत अच्छा है, आगे जा रहा है, उनकी मईशत भी बहुत अच्छी है. इंडिया से रोड्स बने और वो सेंट्रल एशिया तक जाएँ, चाइना से रोड्स बने और वो इंडिया तक जाएँ, ईरान तक जाएँ, तो मेरा ख्याल है इस मुल्क की तकदीर जिस तरह यूरोप की बदली है ट्रेड से, सरहदें खुलने से, वो बदला है. आप अपना भले आप टीवी के ऊपर इंटेलेक्चुअल्स को बिठाकर या कहलवा लो कि जी हमारा इकोनॉमी ठीक हो गई, आपकी इकोनॉमी ठीक नहीं हुई, आपका तिजारती खसारा बढ़ रहा है. आपके मुल्क में आज नहीं तो कल डॉलरों की किल्लत होगी.
आप अमेरिका को नहीं मानते, आप इसराइल को नहीं मानते, आप इंडिया को नहीं मानते, आप जो दुनिया में प्रेवलेंट इनकी पॉलिसियां होती हैं इस्तेमार की नहीं मानते, तो लेकिन जब वो आपके साथ फिर सलूक भी वैसा ही करें तो उसके लिए भी तो फिर तैयार रहना चाहिए। आपने भारत की हेजेमनी को नहीं माना तो मेजॉरिटी चाहती थी ना कि ना माना जाए। ठीक, आप अमरीका को आज तक नहीं मानते तो मेजॉरिटी चाहती है ना, मेरी आवाज़ की तो कोई अहमियत नहीं है। ठीक है, ठीक है, इसी तरह आप जो कुछ करते रहे हैं पहले तो मेजॉरिटी की ओपिनियन बदले ना, अच्छा फिर आप पॉलिसियां बदल सकेंगे ना। सवाल तो यह है कि जब तक ये आपकी ओपिनियन ही ये है कि हम तजारती रास्ते नहीं खुलना चाहते, जब तक आपकी ओपिनियन ही ये है कि भाई भारत के साथ हमारे कोई मामलात नहीं हो सकते, तो फिर जाहिर है फिर आप इकॉनमी की खराबी पर क्यों रोते हैं, फिर आप जो है अमरीका की इमदाद ना देने पर क्यों रोते हैं। इकॉनमी ना रातों रात बनती है, कोई ताकत दुनिया की रातों रात किसी मुल्क को ताकतवर नहीं बना सकता, ना रातों रात बर्बाद, ये प्रोसेस बड़ा खौफनाक है। पाकिस्तान में जो पॉलिटिकल पार्टी जितनी देर इक्तदार में रही उतनी ही जिम्मेदार है। दुनिया की तीसरी बड़ी पावर बन गया, क्या कहना चाहेंगे? हम तो कहते हैं हम उनसे मुकाबला और ये चीज वो चीज, लेकिन आज वो दुनिया, उन्होंने रशिया को पीछे छोड़ दिया है, और ये मैं नहीं कह रहा, ये इंटरनेशनल रिपोर्ट आई है, ऑस्ट्रेलिया के थिंक टैंक्स ये कह रहे हैं। ये बचपन से हमें सिखाया गया है जी, इंडिया वाले हमारे दुश्मन है जी, क्या दुश्मनी की है उन्होंने, आगे हमारे से रोटी छीन लिया, आगे क्या दुश्मनी की है उन्होंने, कश्मीर नहीं जी, कश्मीर का मसला तो उसके है ना, जब हम जाएं दुकान पे जी, हम सुबह सोए हुए उठे हैं जी, हम राशन लेने के लिए गए, आगे से पता चला जी हमारी पॉकेट से बाहर हो गया, जब हम ले ही नहीं सकते, वो ये मसला तो चीज नहीं हम ले सकते, वो हमारे दुश्मन है। हाँ। जो हमारे सोए हुए महंगाई बढ़ा देते हैं, जो हमारे सोए हुए चीजें बढ़ा देते हैं, आम पब्लिक से पूछना, हमारा दुश्मन कहाँ से होगा, इंडिया तो हमारा दुश्मन है ही नहीं। देखे ना, वो हमारे इतनी पावर, ठीक है उनके पास जितनी भी पावर आ गई, वो दूसरे नंबर पे आ गया, तीसरे नंबर पे आ गया, पहले पे भी आ जाए, वो फिर भी हमारे ऊपर हमला नहीं कर सकता। देखिये वो तरक्की की तरफ जा रहे हैं, अगर वो हमसे जंग करेंगे हमारे पास है क्या जो हम खो देंगे, उनके पॉलिटिशियन उनके खोने के लिए बहुत कुछ है, अगर वो जंग करेंगे उनका बहुत कुछ बर्बाद हो जाएगा, वो दूसरे नंबर से नीचे आ जाएंगे। ठीक हो गया, हाँ ये टेक्निकल बिल्कुल एग्री करता हूँ, इसलिए हमारे साथ कभी भी लड़ाई नहीं करेंगे कि यार ये लगे हुए हैं, लगे रहने तो हम दुश्मनी दुश्मनी पे लगे हुए हैं, वो तरक्की तरक्की पे लगे, एक दिन ऐसा आएगा जी इंडिया से हमने कर्जा लेना इंशाल्लाह। इंडिया जो है इस वक्त दुनिया के लिए एक आलमी मंडी की हैसियत रखते हैं, बिल्कुल नो डाउट, नो डाउट अबाउट दैट, आर यू एग्री? बिल्कुल ठीक है, इंडिया इस वक्त आलमी एक मंडी है, अगर पर्पस अगर बिजनेस में लाया जाए, ट्रेड में लाया जाए, तो चाइना तो जरूर करेंगे, क्योंकि वो अपने इंटरेस्ट देखेंगे, इंडिया में चाइना के इंटरेस्ट जुड़े हैं इंडिया से, ये आपको भी पता है, पूरी दुनिया जानती है। एग्जैक्टली, तो चाइना ऑन द स्पॉट आप देख कर वोट जरूर देगा इंडिया को। हमारे लोग इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है कि इंडिया जो है वो पावरफुल बन चुका है, या उनकी जो इकोनॉमी इतनी मजबूत है कि वो पाकिस्तान को 4 times बेच के 4 times खरीद सकती है, तो इस वजह इसकी क्या वजूहत है कि हमारे लोग तस्लीम क्यों नहीं करते इंडिया के पावर को, इंडिया के सक्सेस को, इंडिया जिस तरह से प्रोग्रेस कर रहा है इस चीज़ को? ठीक है, अगर आप इसकी हिस्ट्री के ऊपर जाएंगे तो हमें मिलेंगे कि 1970s के बाद हमने क्या किया, क्या किया हमने, जो सरमायादार है उनके साथ क्या किया, सबसे पहले हमने उनकी इंडस्ट्रीज को हमने प्राइवेटाइज करने के बजाय उनको नेशनल लेवल पे लाया, कौमी तहवील में लिया। जब आप किसी भी चीज़ को, किसी भी, जब एक इंडस्ट्री वहाँ रन कर रहे हैं, बेहतरीन तरीके से काम कर रहे हैं, आपको रेवेन्यू दे रहा है, आपको टैक्स दे रहे हैं, उसके ऊपर से मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पे कोई इंडस्ट्री खोलूँ, मैं यहाँ गवर्नमेंट को टैक्स भी अच्छी तरह से दे रहा हूँ, मैं यहाँ पे आपको जॉब क्रिएशन की अपॉर्चुनिटीज भी दे रहा हूँ, हर चीज में दे रहा हूँ, उसके बावजूद भी आप मेरे से मेरी कंपनी छीन लेते हैं। बिल्कुल सही, ठीक है, तो मेरी कंपनी आप छीन लेंगे, उसको आप जो है ना प्राइवेटाइज के बजाय आप नेशनल लेवल पे ले जाएंगे, आप उसको जो है गवर्नमेंट की तहवील में लेंगे, फिर मैं दोबारा इन्वेस्ट नहीं करूंगा, नहीं करेंगे बिल्कुल। उसी वजह से आपके इन्वेस्टर यहाँ से चले गए, आपकी स्टील मिल बंद हो गई, क्यों बंद हो गई? उसको आपने कौमी तहवील में ले लिया। उसके अलावा आपके उस बिफोर सम टाइम आपकी ये हबीब बैंक जो HBL है, वो भी आपके नेशनल बैंक थे, नेशनल बैंक में थे, उसके अलावा ये कुछ बैंक थे, तो उनको आपने जो है ना डायरेक्ट ले लिया, सरमायेदारों को आपने यहाँ पे, सरमायेदारों को यहाँ पे इन्वेस्ट करने का मौका ही नहीं दिया, जब आप बिजली महंगी कर दी, सही बात, ठीक है, नहीं है, आपने टैक्सेस बढ़ाया, उन्हें कोई आपने रिलीफ नहीं दिया, अब आप देखो किसान हमारे यहाँ पे क्या हालत है किसानों का। पाकिस्तान प्रैक्टिकली फॉर द लास्ट सो मेनी डेकेड्स, ये नहीं कह रहा मैं, हलवाई की वो मुहावरे वाली दुकान है जिसमें दादाजी की फातिहा पढ़ी जाती है, ये वही दास्तान है, तो बाकी किससे कहानियां ले के बैठे रहो, रोते रहो, होना वाना कुछ भी नहीं, उसकी वजह जी के जिनके साथ ही सब कुछ हुआ, हो रहा है और होता रहेगा, चूंकि अभी तक एक इंडिकेटर ऐसा नहीं है, एज अ हम्बल स्टूडेंट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिक्स 40-45 साल हो गए इसी प्रोफेशन में, और सवाए काम के और कुछ नहीं किया, कोई स्कैंडल किसी हुकूमत के साथ बनी नहीं, और 1.5 साल भी नहीं हुआ था PTI की हुकूमत को, जब मैंने कॉलम लिखा जी, बिल्कुल, उस पर लोगों ने कॉलम लिखे कि ये क्या हो गया, मैंने लिखा था कि लानत हो मुझ पर जो मैं इनको सपोर्ट करता रहा हूँ, याद है? बिल्कुल बिल्कुल,
मेरे जैसे आदमी की किसी हुकूमत से बन नहीं सकती, उसकी वजह है। ये ठगों, चोरों, डाकुओं, इररिस्पॉन्सिबल लोगों की, कोई टीटी कुमार है, कोई कमीशन कपूर है, इस तरह के लोग हैं ये वो मटीरियल ही नहीं है। एक याद रखिए, आईएमएफ का पॉलिसी है कि उससे जो भी आईएमएफ के अंदर जाता है ग्रोथ खत्म हो जाती है, वो ग्रोथ नहीं करता। एम आई राइट खुर्रम आफताब साहब? यस सर, यस सर। आईएमएफ का प्रोग्राम में जब आप जाते हैं सर, ग्रोथ नहीं होती, फिर स्क्वीज होता है, हर चीज स्क्वीज होती जाती है, लेकिन आबादी तो स्क्वीज नहीं होगी ना, एजुकेशन तो स्क्वीज नहीं होगी, निजाम तो नहीं स्क्वीज होगा, सारे खर्चे तो मेरे बढ़ते जाएंगे ना, तो मुझे तो खाना पीना तो करना है ना सर। आईएमएफ इज द आईएमएफ इज कंप्लीटली अगेंस्ट, यानी ये तो उन लोगों के लिए आईएमएफ प्रोग्राम होता है जिनको सिर्फ उधार खाना है। अच्छा, अब सादा सी आपको बताता हूँ, डिटेल नहीं बताऊंगा। ये बेसिकली कहते हैं जो इंटरेस्ट रेट बढ़ाते हैं, जो शरा सूद जो स्टेट बैंक बढ़ाता है 23%, 24%, 25%, जितने गरीब मुल्कों में शरा सूद जब बढ़ती है वो इसलिए बढ़ती है कि आपका जो है वो रुपी के ऊपर प्रेशर कम हो जाए। आप जो ये काम करेंगे 17.5 पे करेंगे, बिजनेसमैन कुछ जो तगड़े हैं थोड़े से, यानी चंद करोड़ में स्मॉल एंड मीडियम, ये भी बता दूं, ये बल्कि खुर्रम साहब बताएंगे, 150 करोड़ से 800 करोड़ पर जाके मीडियम बनता है। ये कोई बहुत बड़े बिजनेसमैन नहीं होते, इनके भी बड़े खर्चे होते हैं, इनको आप लोग इनकी गाड़ियों को ठोक जाते हैं, इनको इनको गरीब को जो है ना वो अकेला जा नहीं सकते, दो गार्ड के बगैर जाए तो लोग इनसे पैसे खींच लेते हैं, भत्ताखोरी अलग से करते हैं, हर दिन इनको जो है वो, इनके पास मुख्तलिफ इदारे, कभी कस्टम वाला आ जाता है, अगर ये गाड़ियां बना रहे हैं तो एक मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्री से एक आदमी आएगा, वो कहेगा दो गाड़ियां मुझे भी गिफ्ट कर दे, कभी किसी इदारे से गिफ्ट मांगते हैं, कभी किसी इदारे से गिफ्ट मांगते हैं, इनकी तो जिंदगी हराम है। पाकिस्तान में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस कहां से आ गया?